पिता परमेश्वर यीशु ते मुर्दों में बैठी जिंद कर दो। सिपाहियों द्वारा यीशु ते सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यहूदी अगुओं पिलातुस बेटी बोली, वे झूठा यीशु बोल छो कि वो तीन दिनों के बाद मुर्दों में बैठी जिंद हुए जाल। कहते हैं युद्धकों को कब्र की देखभाल कन हुई कि वे का चेला वे की देह ते चोरी के नीली जान। जो इन कह रहा तो वो बोलला कि वो मुर्दों में बैठी जिंद हुए गे। पिलातुस बोली, कुछ सिपाहियों ते ली जावा और जन तुम कैर साका उन कब्र की देखभाल करा। इले उन भी कब्र मा द्वार पर एक डूंगा की मोहर लगाए देन। उल वक देख रे कनु को उख कुछ सिपाहियों ते भी बैठे दीन कि कोई देते चोरी के नीली जाओ। यीशु का मुरना का बाद का दिन विश्राम को दिन छो। कोई भी विश्राम का दिन काम नहीं कर दो, इले यीशु को कोई भी दगड़िया कब्र पर नहीं है छो। पर विश्राम का दिन का बाद सुबह लेके कुछ जनन यीशु की कब्र पर जाने को तैयार वेन। उवे की देह पर और भी खुशबूदार पदार्थ लगान चांद छा। ऊ जननों का पहुँचन से पहली कब्र पर एक बड़ भूकंप हुई। स्वर्ग बटे एक स्वर्गदूत अल ऐ के ढूंगा ते लुड़के दीन जो कब्र का द्वार ते ढके के छो और वे पर बैठ गए। यु स्वर्गदूत उजल का जन चमकणु छो। कब्र पर जो सिपाही छा ऊ देखी वो इत डर गे छा कि मुर्दों का जन धरती पर गिर गे छा। जब वो जनन कब्र पर पहुंचिन तो वे स्वर्गदूत अलू बेटी बोली, नी डरा, यीशु इखनी छ। वो मुर्दों में बेटी जिंद हुए गे। जन की वेल बोल छो कि वो जिंद हुए जालो। कब्र में खोजा और देखा ऊ जनन उल कब्र का भीतर और जख यीशु की देह रख छे खोजी और देखी कि वे की देह उखनी छ। तब वे स्वर्गदूत अल ऊ जननों बेटी बोली, जय के ऊ चेलू ते बतावा यीशु मुर्दों में बेटी जिंद हुए गे और ऊ तुमसे अग्नि अग्नि गलीलो को जाल। ऊ जनन चौंकिन और बहुत खुश हुए न। ऊ चेलू ते यूसुफ संदेश सुनाणु को भगिन। जब ऊ जनन चेलू ते यूसुफ संदेश बताणु को अपना रास्ता पर छे तो यीशु ऊ का समण प्रगट हुए। ऊ वे का खुट्टो पर गिर गे। तब यीशु बोली, नी डरा, जय के मेरे चेलो बेटी गलील जानो को बोला ऊ अख मीते देखला। मत्ती 27 का 28 से 62, 15 मरकुस 16 का 1 से 11, लूका 24 का 1 से 12, यूहन्ना 20 का 1 से 18 बटी एक बाइबल की कथा।